मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके के कलेक्ट्रेट के पास कार में आग लगाकर अफरा तफरी फैलाने पर हंगामा करने के आरोपी शुभम चौधरी पर एनएससीसी के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। 25 सितंबर 2019 को शुभम चौधरी नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के मुख्य मार्ग पर अपनी गाड़ी में आग लगाकर अफरा तफरी फैलाने एवं उत्पाद के करने के मामले में एनएसए लगाया गया है। पुलिस ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2019 एसएसपी कार्यालय और कोर्ट के मुख्य गेट के सामने अपनी गाड़ी में आग लगाकर हवाई फायरिंग करने वाला युवक शुभम चौधरी सिस्टम के खिलाफ फिल्मी अंदाज में आवाज उठाना चाहता था। युवक की मंशा ऐसे करके रातों रात मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद हाईलाइट होने की थी। सब कुछ पहले से तय किया हुआ था और साथ आई महिला ने भी उसका इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पूरा सहयोग किया। युवक का सोचना था कि इस घटना के बाद बड़े बड़े मंत्री, अधिकारी और मीडिया कर्मी उससे मिलने उसके घर आएंगे, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। एसएसपी शलभ माथुर का कहना है कि कार में आग लगाकर अफरा तफरी दहशत फैलाने के आरोपी शुभम चौधरी पर एनएससी के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। ये 25 सितंबर की घटना थी जहां पे शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास इस व्यक्ति द्वारा जो है यहाँ पर जो परिसर पड़ता है, जो कलेक्ट्रेट कचहरी और पुलिस कार्यालय इसके सामने जो सिविल लाइन्स चौकी है, इसके सामने इस व्यक्ति ने पहले अपनी गाड़ी में आग लगा दी और काफ़ी यहाँ पर जो है एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे अधिवक्ता आते हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है उनके कंप्लेनेंट्स आते हैं और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा स्थल है। इसके द्वारा जो है कई बार हवाई फायर इत्यादि की कार्रवाई की गई। मौके पर अधिकारियों द्वारा पहुँच कर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और इसके साथ जो महिला थी इसको भी हिरासत में लिया गया था। इस घटना के अंदर इसकी गंभीरता को देखने से और जिस तरीके से इस ब्रीच ऑफ पीस यहाँ पर क्रिएट किया गया था, यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध रहा था, काफ़ी इश्यूज इसके अंदर क्रिएट हुए थे और ये जो लोक व्यवस्था भंग हुई थी, उस लोक व्यवस्था को भंग करते हुए जो मेरी रिपोर्ट थी उस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंतव्य अंकित करते हुए एनएसए की कार्रवाई की। सर, कोई पूर्व में इनकी जमानत भी हुई थी? इनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, इसी दौरान जो है ये एनएसए की कार्रवाई जो है ये की गई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।